स्टूडेंट टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर एक्शन मोड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द वर्किंग और डिस्क्रिप्शन. सो सी द पॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स दिस कंट्रोल एक्शन मोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव मोड. ये जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको PID भी करते हैं सॉरी बोलते हैं. ओके कैपिटल PID पी फॉर प्रोपोर्शनल आई फॉर इंटीग्रल और डी फॉर डेरिवेटिव. ओके सो सी दिस इज द मोस्ट यूजफुल एंड पावरफुल एक्शन मोड बट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके ये जो कंट्रोल सिस्टम है या फिर कंट्रोल एक्शन मोड है ये यूज़फुल है और पावरफुल एक्शन है बट इसमें दो से तीन कॉम्बिनेशन होने के वजह से ये उसके साथ क्या है वेरी कॉम्प्लेक्स भी कंट्रोल एक्शन मोड है. ओके सो सी द मैथमेटिकल कंट्रोल एक्शन मोड इज़ गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू KPE ऑफ टी KP KI इंटीग्रेशन 0 to T KE DT प्लस KPKD DET अपॉन DT प्लस PI 0. ओके देन अबव इक्वेशन कंटेन फोर मैथमेटिकल टर्म्स दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज KPE ऑफ टी इंडिकेट इज द प्रोपोर्शनल आउटपुट टर्म. देन सेकंड टर्म इट इज दिस that is KPKI integration 0 to T e of t dt indicates the integral term and the third term it is KPKD de of t upon dt it will indicates the derivative term and PI of 0 indicates the integral term value when t is equals to 0. okay so ye charo terms jo hai वो इंडिकेशन है चारों टर्म्स के. फर्स्ट टर्म इंडिकेट करती है प्रोपोर्शनल आउटपुट, सेकेंड टर्म इंडिकेट करती है इंटीग्रल, थर्ड टर्म इंडिकेट करती है डेरिवेटिव और जो फोर्थ टर्म है वो क्या इंडिकेट करती है इंटीग्रल टर्म वैल्यू व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0. ओके आफ्टर दैट वी सी द एडवांटेजेस ऑफ PID मोड दैट इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव मोड. फर्स्ट it reduces the overshoot which often occur when integral control action is added to proportional control action. okay ye kya karta hai jo bhi overshoot hota hai wo reduce karta hai kab jab bhi integral control action ye proportional control action mein add hota hai tabhi overshoot hota hai overshoot occur hota hai तो वो जो ओवरशूट है उसको ये रिड्यूस करता है PID मोड. ओके आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लैग कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन. ओके अभी इसमें जो लैग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाता है तो उसके वजह से जो है उसमें क्या इंट्रोड्यूस होता है इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है. ओके आफ्टर दैट वी सी द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव एक्शंस. फर्स्ट इट इज़ द एरर ऑन एक्स एक्सिस इट इज टाइम ऑन वाई एक्सिस एरर एंड कंट्रोलर आउटपुट. ओके इन दिस वी सी द इन एरर इनपुट कंट्रोलर्स the desired value it is this dotted line and this is the actual value that is our error. then second one it is the percent that is output of controller will show the this portion will be the derivative. okay and this dotted line is the proportional and this slope line is the integral and this line it is the composite mean it is combination of this that is the PID. okay this is the detailed explanation about the proportional integral derivative control action mode. okay so thank you.